मैं कमली आया वे तेरी चीए सरकार, मैं कमली हाँ कमली। गुल्लू इस मुर्दे को कहाँ ला देगा तू? भाई जी चारे की रेडी पे, आगे किसी को शक भी ना हो। अरे गुल्लू बड़ी अकल की बातें करने लगा है तू तो, बड़ा सयाना हो गया। जा ले जा। रुक जा गुल्लू, आंची जान ये कहीं नहीं जाएगा। तू होश में तो है, क्या कह रही है? मेरा दिल नहीं मान रहा, ऐसे कैसे किसी जख्मी इंसान को कूड़े के ढेर पे फेंकवा दूं? मैं इसे कुत्ता बिल्ली नहीं समझ सकती। खुदा जाने कौन है, कहां से आया है, क्या खबर किसी के लिए ये बहुत कीमती इंसान कोई इसका इंतजार कर रहा हो? रागी ये आए गए की जगह है, हम इस तरह के मसले नहीं पाल सकते, इससे हमारे कारोबार पे बुरा असर पड़ेगा। आंटी जान मैं सब उम्मीद जानती हूँ, बस इसको तब तक रख लें जब तक इसे होश नहीं आ जाता राजदारी से, और अगर ये ठीक ना हुआ तो मैं आपको जबान देती हूँ, मैं खुद जाकर इसे सरकारी अस्पताल डाला हूँ। आंटी जान आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। गोली गोश्त को छू के गुजरी है लेकिन खून के ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत अच्छी नहीं है, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुकी है, इसी वजह से बुखार तेज है बहुत। रागी मैं भी कहता हूं इस मरीज से हाथ खींच ले तो अच्छा है। डॉक्टर साहब अगर यही गोली मुझे लगी होती और मेरी ऐसी हालत होती तब भी क्या आप यही कहते? रागी अगर तू वकील होती ना तो सारे शहर की जेबें आज तेरी जेब में होती। वो तो अब भी है, वकील ना सही रागी से सुना है समझौता करने से मामलात सुलझ जाते हैं, लेकिन मैं तो और उलझ गई। मायूसी कैसी बिटिया, मायूसी तो मुझ पर जचती है, तेरे पास तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। उस्ताद जी कल किसने देखी है, जो है सो आज है अब है, और मैं अपने आज से उलझना नहीं चाहती। हाँ लेकिन इसकी उलझन मुझसे सुलझ सकती है तो ये भी काफी है मेरे लिए। गुल्लू से कहें से जोड़ा बदलवा दें। डॉक्टर साहब आप इलाज जारी रखिए, खर्चे की फिक्र मत कीजिए।
इतनी खिदमत तो तूने कभी अपनी आंटी जान की भी नहीं की, जितनी इस अजनबी की कर रही है। आप कभी इतना बीमार भी नहीं हुए, एक बार बीमार पड़ के दिखाए, कसम है इससे ज्यादा खिदमत करूंगी। एक मरीज क्या मिल गया, तूने तो आंखें ही फेर दी। अल्लाह ना करे, मैं तो यूं ही मजाक कर रही हूँ। अच्छा चल, तू जाके सोच कहरे, इस मरीज का ख्याल रखने के लिए उस्ताद जी हैं, ये इसका ख्याल रखो। तो अगर इसी तरह इस मरीज का ख्याल रखती रहेगी तो उसका कौन रखेगा जो अभी यहाँ से गया। उस्ताद जी वो तो है भी और नहीं भी, उनको मत उठाए वरना खुद मरीज हो जाएगी। आप सो जाए आंटी जी, मेरी रातें कहाँ सोगी। बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई माड़ी में दाखिल होने की। तुमने सुना नहीं, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बीबी सरकार, मुझे तो ये कुड़ी एन बिन उसी जनानी जैसी लगती है जो पार साल नूरपुर वालों ने माड़ी में भेजी थी, और माड़ी पर जैसे मुसीबत ही आ गई थी। छोटे सरकार अभी भी उसी मनहूस के कमरे में है। जा, जाकर हौले से देख कर आ। क्या बात कर रहे हो उससे तेरे छोटे सरकार, है तो सड़ी भुनी सी मगर फिर भी औरत तो है। मर्द साथ का क्या एतबार। जो हुक्म बीबी सरकार। ठहर जा, मैं खुद जाकर देखती हूँ। किसकी बेटी है? किसी की नहीं। जिस किसी की भी बेटी हो और जिस किसी ने भी तुम्हें यहाँ भेजा है उसका तो पता चल ही जाएगा हमें, मगर उस वक्त तक तुम यहां से निकल नहीं सकती जब तक हम इजाजत ना दें। भाग बड़ी। जी सरकार। कड़ी नजर रख किस पे। माड़ी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तू क्या कर रही है यहाँ? वो सरकार, वो मैं बीबी सरकार के लिए पानी लेने जा रही थी। बीबी सरकार के लिए पानी लेने जा रही थी? मेरी जासूसी करनी छोड़ दे वरना जिस दिन पकड़ी गई ना उस दिन छोड़ूंगा नहीं तुझे। सारी माड़ी में चोटी से पकड़ के घसीटूंगा तुझे, छुड़ाने वाला नहीं होगा।
टोर जहां जाके मिलती है अच्छी तरह से जानता हूं मैं। चल जा अब यहां से। क्या खबर है लड़की? सरकार सबका यही ख्याल है कि ये नूरपुर वालों ने भेजी है। एक तो लड़की का हौलिया और इस तरह से माणिपुर में दाखिल होना, सारी खाली खोल के बता रहा सरकार। मेरी मन ठीक कह रहा है बाबा, मेरा ख्याल भी इसी तरफ जाता है, मगर आप ही इंसाफ के तराजू में उलझे, गवाहों और शहादतों के बगैर आप कोई फैसला लेना नहीं चाहते। ये जो इंसाफ का तराजू है ना, इसे पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जिसने एक मर्तबा मजबूती से इसको मुट्ठी में पकड़ लिया, उसके लिए पानी की तह में उतरना जरूरी हो जाता है। मैं गया था रात को उसके पास बात करने के लिए, बहुत चालाक लड़की है, मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने तो रोना शुरू कर दिया। खुदा की कसम, मेरा तो दिल चाह के गला दबा के यही मार दूं उसे, मगर आपका ख्याल आ गया मुझे, जासूस कहेंगे। जब तक ये मामला खुल ना जाए ऐसी हरकत से परहेज करो। जन्नत सरकार, सुबह सुबह बगैर इतला कैसे? इस्तकबाल वाले तो यहाँ खड़े हैं ठंडे ठार, ना दरबानों को पता, ना मेजबानों को, ना देगे चढ़ी, ना हलवाई बैठे। अरे कम्मी भी घरों में बैठे हैं बेखबर। खैर तो है भरजाई, सुख से तो आई हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो जिस घराने में मेरी डोली गई थी वहां सुख नाम की चीजें पैदा नहीं हुआ करती कभी। हटो सामने से, मुझे अम्मी सरकार से बात करनी है। अरे रुको तो सही, अब ऐसी भी क्या बेमुरव्वती, सिर्फ ननन का ही तो रिश्ता नहीं, भाभी भी हूं तुम्हारी, कम से कम उस रिश्ते का तो कुछ ख्याल करो। यही तो मुसीबत है, तुम मेरी भाभी हो, माड़ी के राज दुलारी की दिल की रानी, उसके सर का ताज, इसी चीज का तो ख्याल रखा है पूरे 4 साल मैंने, मगर अब तुम भी तो हवेली मुराद के अकलौते वारिस के घर की रौनक हो, मुझसे कम तो नहीं तुम्हारी हैसियत। मेरे सामने बना मत करो कुलसुम, तुम अच्छे से जानती हो हवेली मुराद में मेरी हैसियत क्या है। जब से डोली उतरी है मेरी उस खंडर हवेली में, वहां मैंने अपनी चीजों की हैसियत तो देखी है मगर अपनी नहीं। और एक तुम्हारा भाई है जो बस भाभी रानी, अब गला छोड़ ही दो, तुम मेरे कर्मा वाले वीर का तो अच्छा है, पर ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कुछ कह दूं तुम्हारे भाई की ऊंची शान में, हो सकता है तुम्हें सुन के अच्छा ना लगे, बल्कि शायद किसी को भी अच्छा ना लगे। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारे आयाश भाई की करतूत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिछले 4 साल जिस दोजख में मैं रही हूं अब नहीं रह सकती, कोई भूल में ना रहे, आज फैसला करके ही जाऊंगी माड़ी से।